वो भी बहुत अद्भुत है, उसका नाम है हड़क हल्दी, बहुत अद्भुत। अगर गले का कोई भी त्रास हो गया है, खांसी होती है बार बार खांसी होती है, सर्दी होती है बार बार सर्दी होती है, बच्चों को कई बार वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, दर्द होता है टॉन्सिल्स का, ये गले के सभी त्रास की सबसे अच्छी औषध है हड़क। हड़क लेने के दो तरीके हैं, आप हड़द को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, हड़द में मध मिला के ले सकते हैं और हड़द में गाय का तूप मिला के भी ले सकते हैं। ये दो तरीके से हड़द ली जाती है, या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके, और या तो मध में या गाय के तूप में लीजिए। गले के सभी रोगों में अद्भुत काम आते हैं। मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, ये सभी के लिए औषधि है हड़द। बच्चों को टॉन्सिल की जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी औषधि है हड़द। टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तुरंत कहेगा ऑपरेशन कराओ, बच्चों के टॉन्सिल काट के निकालो, कभी मत कराना, उनको थोड़े दिन हड़द दे देंगे, हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टॉन्सिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को, तो सूखी हड़द जो होती है पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजिए, अंदर चम्मच में हड़द भरिए, गले के अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए, बस 5-7 मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी। और हफ्ते में 2 बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ बच्चों की खत्म हो जाएगी।